हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू अर्चना गुजर व्लॉग्स। व्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं मॉर्निंग से, और मैं लेकर जा रही हूँ स्कूल में पुलाव बनाकर। तो पीहू अभी नहा रही है और मेरा नहाना धोना हो गया है। उसके बाद मैं सीधी आ गई थी किचन में, क्योंकि पुलाव बनाकर पीहू के भी पैक करने हैं और थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे नॉर्मल सी रेंज में, तभी लेकर हम जाएंगे। एंड ये है आफ्टरनून के बाद इवनिंग की वीडियो, 4 बजे की, मतलब कि मैं निकल गई हूँ घर आने के लिए, मतलब कि अपनी ससुराल आने के लिए। पीहू है अभी ट्यूशन, पीहू को लेकर आएंगे उसके पापा। मैंने सोचा है कि दिवाली तक मैं अपनी ससुराल से ही अप डाउन करूं, क्योंकि घर की क्लीनिंग रहनी भी ज़रूरी है। जो हमने दिवाली क्लीनिंग की थी, अगर हम इसे छोड़ देंगे घर को बंद, तो वो सारी गंदी हो जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आना जाना लगा रहेगा, तो हाथ पैर मतलब झाड़ू पोछा लगता रहेगा, डस्टिंग वगैरह भी होती रहेगी। तो चलिए आपसे घर जाने के बाद मिलते हैं। गाइस, आज हम आए हुए हैं अपने घर गांव में, और अब स्कूल से आके थोड़ी देर मम्मी के घर रुकी थी। मैंने वहाँ का भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, और रास्ते से थोड़ा सा आपको वीडियो शूट शेयर किया था आपके साथ, जो आपने स्टार्टिंग में देखा है। और पीहू अभी आई है ट्यूशन से, उसके बाद भी मैंने कुछ बनाया ही नहीं आज व्लॉग में, पता नहीं कहाँ दिन निकल गया सारा। हाँ, मैं कॉल पे बात कर रही थी एक्चुअली, फ़ोन पे, तो मेरी व्लॉगिंग हो नहीं पाई। अभी हमारी फैमिली में हुआ है लड़का, उनके घर से आई थी मिठाई, तो उसी मिठाई का भी अभी पीहू ने लगाया है भोग। और मैं अब देख रही, सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ जो जल्दी बन जाए। क्या खाना है पीहू, जो जल्दी बन जाए फटाफट, तो जल्दी बनने वाला और जो जल्दी से आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए, वो हमने डिसाइड किया है। हम बनाएंगे खिचड़ी, सब 7:45 हो चुके हैं, तो फटाफट से हम खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं, और 7:30 तक हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। ओनली 45 मिनट्स से भी कम का टाइम लगता है, वैसे 1/2 आवर लगता है मुझे खिचड़ी बनाने में। दाल वाली बना दूँ, बिना दाल वाली तो हैवी हो जाएगी। चलो चलते हैं। मैंने लंच बॉक्स भी नहीं क्लीन किए, तो अभी मैंने और पीहू ने दोनों ने मिलकर लंच बॉक्स क्लीन किया। मतलब मैंने साबुन लगाने वाला काम किया और ये वॉश करके उधर लगा लिया। इसको बोला है यहाँ से ये सारी क्लीनिंग कर दियो, और हमने डिसाइड किया है हम बना रहे हैं खिचड़ी, और वो भी बिना दाल वाली। एंड हमारे यहाँ रखे हुए हैं बनानास, फिर भूख लगी है तो बनानास खा ले है। और पीहू थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर देती है ना, तो काम जल्दी हो जाता है। तो गाइस, हमने ना देखिए खिचड़ी हमारी बना ली है, और ये दूध मैंने रख दिया है गैस पर मलाई जमाने के, वो दही जमाने के लिए। ये दूध आज लेकर आए हैं, और हमारे फ्रिज में रखी थी सब्जी, क्योंकि हम कल ही तो गए थे यहाँ से, तो काले चने रखे हुए हैं, तो मैं ना खिचड़ी के साथ मिक्स करके खाने वाले हैं। और अभी मैं ये दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ, कैसरोल में जमाऊँगी, क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो गई है, तो ठंड में फिर कपड़ा ढकना पड़ता है। और ये थोड़ी सी दही रखी थी, इसकी मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि चावल और चने की सब्ज़ी के साथ हम खाने वाले हैं, लेने वाले हैं लस्सी। हस्बैंड को बोल दूँगी दूध ले लेंगे, क्योंकि दही ना थोड़ी सी है, मैं और पीहू ही ले लेंगे, हस्बैंड को इतना है भी नहीं लस्सी दही का। मुझे और पीहू को ज़्यादा क्रेविंग होती है इन सब चीज़ों की। तो मैंने निकाली है ये वाली स्वेटशर्ट, इसको उठवा तो कल सुबह हम यहीं से स्कूल जाने वाले हैं, मैं और पीहू। तो पीहू बोल रही थी कि मम्मी अभी हाफ स्लीव्स की शर्ट डाल के जाती हूँ तो ठंड लगेगी, तो मैंने उसकी ना यहाँ से निकाल दी है ये स्वेटशर्ट, और अपनी भी निकाल ली है साथ ही, क्योंकि मुझे भी तो ठंड लगेगी साथ साथ, एक्टिवा तो मैंने ही चलानी है, तो कहीं ये ना हो कि बीमार हो जाएँ, तो उससे बचने के लिए हमने दोनों ने ही निकाल लिए। बाकी पहन कर जाएंगे या नहीं अभी वो नहीं पता। अभी हमारा काम हो गया है, तो ये ना मैं परसों कल कपड़े वॉश करके गई थी, तो ये सूख चुके थे, इनको मैं यहाँ पर ना आयरन कर रही हूँ। एक ड्रेस मेरी है, नहीं उल्टा बोल दिया, एक ड्रेस पीहू की है और 2 सूट मेरे हैं, एक घर पहनने का है, एक स्कूल का है। मेरे कपड़े तो इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सुबह नहाकर दूसरा पहनना, फिर स्कूल का अलग, और फिर स्कूल से आने के बाद अलग सूट, और कई बार तो नाइट सूट भी अलग हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कपड़े मेरे हो जाते हैं वॉश करने के। वैसे नाइट सूट वगैरह जो लोअर टी शर्ट होती हैं, उनको मैं ऐसे ही हैंग भी कर देती हूँ कभी कभार, उन पर प्रेस भी कर लेती हूँ ताकि उनकी सिलवटें ठीक हो जाएँ।
एंड ये टाइम है रात 10:30 बजे का, सारा वर्क फिनिश हो गया है। तो हस्बैंड जब आए उनके बर्तन और दूध के बर्तन हमारे रह गए थे, तो मैं ये क्लीन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि सुबह फिर इतना नहीं हो पाता, सुबह सुबह के ही बर्तन क्लीन हो जाएं वो ही काफ़ी रहता है। और हस्बैंड भी आई थिंक सो चुके हैं और पीहू भी सो चुकी है। मैं कपड़े प्रेस करने के बाद यहाँ आई हूँ, उसके बाद ना मैं फ़ोन चलाने लग गई थी, अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने लग गई थी, तो थोड़ी देर लग गई। अभी आकर मैंने दूध पिया, मैंने अभी पिया था, और पीहू ने आज दूध नहीं लिया था, हस्बैंड ने पी लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये बर्तन क्लीन करके रख दूँगी, और थोड़ा सा ना शेल्फ़ वगैरह भी क्लीन करनी है, वो भी कर देती हूँ। मॉर्निंग का काम मैं रात को ही समेट के कोशिश करती हूँ, हो जाए, क्योंकि सुबह फिर उठकर सुबह के ही वर्क बहुत हो जाते हैं एक्स्ट्राज, एंड कभी कभार टाइम भी आँख भी नहीं खुलती है, तो लेट भी उठते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर शेल्फ़ क्लीन कर दूँगी थोड़ी सी, और गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, ताकि सुबह उठकर मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ। किचन हमारी क्लीन हो चुकी है, तो चलिए अब टाइम हो गया है सोने का, हस्बैंड सो चुके हैं, मैं आ गई हूँ इधर पीहू के पास, इस वाले रूम में सोई हुई है पीहू, ये देखिए। तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ और यहीं पर ही सो जाती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।